गिरिराज सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं और बहुत बड़े मार्जिन से वो अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। गिरिराज जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप बहुत आगे चल रहे हैं और अब आपका मैं स्वागत करता हूं। पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि आप सिर्फ कन्हैया कुमार को भी सुधीर जी जी कहिए। हाँ सुधीर जी, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ, आपको बधाई दे रहा हूँ सुधीर जी, इसलिए कि आप डीएनए से लेकर के आप बता रहे थे कि इस देश में नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है उसने जातिवाद को ख़त्म कर दिया, वंशवाद को ख़त्म कर दिया, क्षेत्रवाद को ख़त्म कर दिया, ये छदम धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वालों को ख़त्म कर दिया। लेकिन आपकी बात भी पत्रकार, कुछ मीडिया नाम नहीं लूंगा, उनको बुरा लगता था। और इसी बेगूसराय में मैं आपके माध्यम से आपके बिरादर से निवेदन करता हूं कि मीडिया आप हैं जो दिखाओ उसकी विश्वसनीयता बनाओ, बड़े बड़े एडिटर से लेके कौन एक एक घंटा का पैकेज चला रहे थे। सुधीर जी, मुझे पीड़ा हो रही थी, देश की मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो रही है, जमीन की हकीकत से दूर दिखा रहे थे, गरीबों में नरेंद्र मोदी के प्रति अपा जीतूंगा नहीं, मैं जीता हूँ, जीता है तो ऊपर से महादेव, नीचे नरेंद्र मोदी और बेगूसराय की जनता जिसको नरेंद्र मोदी पर भरोसा। जी गिरिराज जी, आपकी जो लड़ाई है वो कन्हैया कुमार से ही नहीं, पूरी की पूरी एक विचारधारा से आपकी लड़ाई थी। और इस दौरान कभी आपसे जब बात भी होती थी तो ऐसा लगता था कि फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बुद्धिजीवी, बड़े बड़े पत्रकार, सारे के सारे आपके खिलाफ उतर आए थे। आपके चुनाव क्षेत्र में ज़बरदस्त अभियान हुआ, ज़बरदस्त प्रचार हुआ, आपके मुकाबले मीडिया में उन्हें स्पेस भी ज़्यादा मिला। तो कई बार आपको ये लगा, आपके हालांकि जनता ने भी बता दिया कि मीडिया में जो स्पेस मिलता है आपके मुकाबले कन्हैया कुमार को वीक कैंडिडेट होने के बावजूद भी कहीं ज़्यादा स्पेस मिला। देखिए, मैं पहले भी कहा, मुझे पीड़ा है, व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, ये एक विचारधारा की लड़ाई थी। सारे वार्ड वापसी गैंग यहाँ मौजूद थे, देश ही नहीं विदेश के पत्रकार, जिस ढंग से लोगों को, देश को, दुनिया को भ्रमित करने का कोशिश किया और केवल नरेंद्र मोदी पर अटैक करने का कोशिश किया, विचारधारा पर करने की कोशिश की, लेकिन जो जनता थी ना सुधीर जी, उस जनता की आंखों में इस विपक्ष ने कभी आंखें डाल के नहीं देखा। उस जनता की आंखों में नरेंद्र मोदी के प्रति प्यार था, विश्वास था, और वही प्यार और विश्वास और वही विचारधारा छदम धर्मनिरपेक्षता की राजनीति को नकार दिया, जातवाद को नकार दिया, क्षेत्रवाद को नकार दिया, नफरत को नकार दिया। बेगूसराय की धरती पर पूरे और देश से, दुनिया से लोग आकर के नफरत फैला रहे थे, धर्म का नफरत, समाज का नफरत। और मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जिस लड़ाई को लड़ा, वही लड़ाई यहाँ लड़ाई हम लड़ रहे थे। जी,